वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाने वाले हैं जैसलमेर वॉर म्यूजियम। ये म्यूजियम जैसलमेर से लगभग 10 किलोमीटर दूर जोधपुर रोड पर स्थित है। इस म्यूजियम की एंट्री फीस 30 रुपीज पर पर्सन है और इस म्यूजियम का उद्घाटन दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सिंह ने 24 अगस्त 2015 को 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के अवसर में किया था। इस संग्रहालय में युद्ध के दौरान जब हथियारों, टैंकों, सैन्य वाहनों को प्रदर्शित किया गया है, इसमें भारत के भी हैं और कुछ पाकिस्तान के भी हैं। गाइस, दिस इज टैंक 55। दिस टैंक मीडियम टैंक केम इन टू सर्विस इन 1946। दिस इज हंटर MK56 सिंगल सीटर टर्बोजेट। ये एयर टू एयर मार करता है, हवा से हवा में मार करने वाला। इसकी रेंज 715 किलोमीटर तक की है। दिस इज स्मॉल साइज टैंक एंड दिस इज P-15 रडार। दिस रडार डेवलप्ड बाई अर्थवेल USSR इन 1955 एंड इंडक्टेड इन इंडियन आर्मी इन 1969 टू रिप्लेस No. 4 Mark 6 रडार। इट हैज मैक्सिमम रेंज ऑफ 150 किलोमीटर्स एंड कैन सर्च टारगेट फ्लाइंग अप टू 3 किलोमीटर एल्टीट्यूड। द रडार इज एमिटेड पावर सप्लाई माउंटेड ऑन जिल 131 व्हीकल। दिस इज अम्बर आर्म्ड कार, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड ब्रिटिश आर्म्ड कार्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड वार यूज ड्यूरिंग द बर्मा कैंपेन। गाइज, नाउ वी आर एंटरिंग इन लोंगेवाला हॉल। गाइज, दिस इज बस्तर आर्ट एंड दिस इज नागालैंड आर्ट। And this is Assam Rahino, Manipuri poetry, then Bihar poetry. यहाँ पर गोल्डन टेम्पल का डमी लगा हुआ है, इधर ताजमहल, इधर स्टेचू ऑफ यूनिटी का एंड सांची स्तूप। ये दोस्तों पाकिस्तान ने जो सरेंडर किया था उसका घोषणा पत्र। दोस्तों मीट्रिक कंपास, इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में सर्वे कार्य के लिए, आर्टिलरी तथा दूसरे कंपास की जांच करने के लिए होता है। कंपास की बनावट उपयोगकर्ता को एक साथ वस्तु को देखने तथा इसकी चुंबकीय शीर्षक के साथ 1/4 डिग्री को देखने की सेवा प्रदान करता है। इसका निर्माण भारत में रुड़की के अंदर हुआ था। ये दोस्तों लोंगेवाला हॉल है, जो 4 दिसंबर 1971 की रात को लोंगेवाला की जो बैटल हुई थी उसकी प्रगति को दर्शाता है। और यहाँ पर कुछ प्राचीन हथियार भी हैं, उनको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये पुरानी दूरबीन जो यूज की जाती थी भारतीय सेना के द्वारा, और इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी प्राचीन हथियार हैं जो भी यूज किया करते थे इंडियन आर्मी।
अभी हम दोस्तों जा रहे हैं इंडियन आर्मी हॉल। यहाँ पर इंडियन आर्मी की जो तीनों सेनाएं हैं उनकी अलग अलग ड्रेस है, उनको प्रदर्शित किया गया है और उनके बारे में, ड्रेस के बारे में भी पूरा डिस्क्राइब किया गया है। जैसा देख रहे हैं आप, ये इसमें अलग अलग तरीके से सारा इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। दोस्तों जैसलमेर संग्रहालय देशी विदेशी पर्यटकों का प्रमुख दर्शनीय स्थल बन गया है। जैसलमेर वॉर म्यूजियम को देश के सर्वोच्च पसंद किए जाने वाले 5 म्यूजियमों में शामिल किया गया है और अमेरिकन ट्रैवल कंपनी ट्रिप एडवाइजर ने जैसलमेर वॉर म्यूजियम को विश्व भर में 5वां स्थान दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों ये कितना महत्वपूर्ण म्यूजियम है। जब भी आप जैसलमेर घूमने आएँ तो ये जैसलमेर वॉर म्यूजियम को ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आपको आके बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी जो इंडियन आर्मी यूज किया करती थी। और ये यहाँ पर कुछ शॉप्स वगैरह भी लगी हुई हैं, इससे भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं। गाइज, दिस वॉज द जैसलमेर वॉर म्यूजियम। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए।